अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने एक नए पैशन से। जब पेंडेमिक आया है तो उस टाइम पे हम सब घरों के अंदर कैद हो गए। किसी को डिप्रेशन हो गया था, किसी को एंग्जाइटी हो गई थी, मगर पेंडेमिक का एक फायदा ये हुआ है कि आजकल की बहुत मसरूफ जिंदगी के अंदर हम लोगों को कम से कम थोड़ा टाइम मिल गया है कि हम अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल के अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकें। उसी टाइम पे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसी हॉबी अपनाऊं जो कि मुझे नेचर के करीब ले जाए, और तब मैंने डिस्कवर किए कैक्टाई। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, और जब मैंने कलेक्ट करना शुरू किया तो उसके बाद मेरे पास अब काफी सारे टाइप्स आ गए। जैसे सबसे पहले आप ये देखें, ये वाला है बनी ईयर कैक्टस। उर्दू में तर्जुमा करके बोलती हूँ कि खरगोश के कान वाला कैक्टस। सुनने में अजीब लगता है बट इसी तरीके से इसको बुलाते हैं। ये एक टाइप है, इसमें ये पैड्स होते हैं, और ये पैड्स जो है ना, तो इनके ऊपर ये ग्रोथ्स होती है, और ये तकरीबन आई गेस 5 या 6 फुट तक बड़ा होता है। और इसके ये जो ऊपर ग्रोथ्स हैं, इसको अगर आप काटें, इसको लगाएं, जैसे देखें नीचे ये पड़ा हुआ था, तो उससे ग्रोथ्स होती है। से मिलिए जी, ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर के कैक्टस है मेरे पास। इनका नाम है मून कैक्टस, इनको कहते हैं, इनको चिन कैक्टस भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये ग्रीन स्टेम के ऊपर इनको लगाया गया है और प्रोपेगेट किया गया है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकते, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो फूड बनाने के लिए इनको ये ग्रीन स्टेम्स के ऊपर प्रोपेगेट करते हैं। इसको कहते हैं ओल्ड लेडी कैक्टस। ये काफी पॉपुलर है। ये जब छोटा होता है तो ये राउंडेड शेप में होता है, जब ये बड़ा होता है तो फिर ये सिलेंड्रिकल शेप में हो जाता है, और इसके ऊपर ये व्हाइट कलर के हेयर होते हैं और स्पाइन। ये भी काफी छोटा है, इसको ज्यादा बड़ा होना तो नहीं चाहिए। मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इनके साथ, तो लेट्स सी। इसको कहते हैं जी मदर इन लॉज सीट गोल्डन बैरल कैक्टस। ये जो है सास काफी पॉपुलर एक हस्ती होती हैं, और उनकी कुशन से इसको मुशाबिहत दी गई है। तो ये देखें, ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, ये काफी स्लोली ग्रो करता है और ज्यादा बड़ा भी। इसको स्टार कैक्टस या सी अर्चन कैक्टस भी कहते हैं, और इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ना, ये बिल्कुल सैंड पेपर की तरह की होती है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और इसकी जो शेप है वो सिमेट्री इसकी देखने के काबिल है, जो कि इस वक्त आपको देखने के काबिल लग नहीं रही है। आई हैव अ डॉग, उसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो थॉट इट वॉज अ टॉय, और इसके साथ उसने काफी खेला है, तो ऑब्वियसली वो बाइट मार्क्स हैं। आई होप ये हील हो जाएगा। ये था आज मेरे प्लांट्स के बारे में, मेरी नई हॉबी के बारे में, और मेरे नए पैशन के बारे में। आपको और भी बताऊंगी, मेरे कलेक्शन में दूसरे प्लांट्स आएंगे उनके बारे में बताऊंगी, और फिर मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। के अलावा ये है कि ये देखें ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला। बस मैं आजकल इनको देख रही हूँ, इनको स्टडी कर रही हूँ, और लेट्स सी ये आगे क्या रंग दिखाते हैं। इनके फ्लावर्स बहुत एग्जॉटिक होते हैं और वो समर्स में आते हैं, तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि इनके फ्लावर्स आएंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच सुनने का और देखने का, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।